कोई पोस्ट देंगे आप यहाँ कुछ सेनापति बनना चाहो राजा बनना चाहो बताओ बना देंगे आप। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु आप मुझे कोई पद नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं सबने कुछ न कुछ मांगा है और आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, बिना आपके रावण को जीत पाना संभव नहीं था। क्यों? रावण जैसा विद्वान जगत में दूसरा कोई नहीं। रावण जी कैसे है, रावण कौन है, रावण विद्यावान है। और कहते इतना प्रतापी होने के बाद, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद ऐसे अजेय रावण को जीत पाना संभव नहीं था। आप लोग थे इसलिए जीता, तो मैं आप सबका ऋणी हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, कोई तो पद मांगना ही पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु देने ही चाहते हो पद? बोले हाँ मैं आपको कोई ना कोई पद जरूर दूंगा। बोले ठीक है तो मैं आपसे मांगता हूँ, एक नहीं लगेगा लेकिन दो पद मांगूंगा मैं। बोले ठीक है मांगो मांगो मेरे हनुमान, तुमको दो क्या 10 पद दे दो हनुमान का तो मैं रेडी हूँ। भरत भाई कपिते उरीना मैं नाही। जब रघुनाथ जी भरत जी से बात करते हैं बोलते हैं हे भरत भैया मैं इस कपि का सबसे उऋण हो जाऊंगा माता पिता बंधु सखा जगत से, लेकिन ये जो कपि है ना ये हनुमान इससे मैं उऋण नहीं हो सकता। उऋण का सुनते इसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, इससे उऋण नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी को कहा जो मांगना है। बोले हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में लेटे, हाँ दोनों चरणों के नीचे अपना हाथ रखा, कहा प्रभु यही दो पद मुझे चाहिए दे दो। तो हनुमान जी ऐसे भक्त हैं रघुनाथ। आपने वो भी कथा सुनी होगी कौन सी, कि उनको मणियों की माला दी, हाँ तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। लोगों ने कहा अरे भैया इतने अमूल्य मणि रत्नों की माला आप फेंक दे रहे। बोले हाँ इसमें मेरे रघुनाथ जी नहीं दिख रहे। सीतानाथ बोले अच्छा किसी ने विरोध किया, ये जो इतना बड़ा शरीर है कनक भूधराकार शरीरा इसमें भी है सीताराम? बोले हाँ है, इसलिए मैंने इसे धारण कर रखा है। बोले अच्छा तो दिखाओ। हनुमान जी ने नख को बढ़ाया और अपने सीना को फाड़ा और सीताराम जी का दर्शन कराया। तो हनुमान जी ऐसे भक्त है। पर कपीस की चर्चा करें, हनुमान जी कपीस क्यों हो गए? कहते भैया तुलसीदास जी के दृष्टि में राजा वो नहीं है जिसको पद मिला, हाँ जो जगत पे राज करे वो राजा नहीं है। तुलसीदास जी कहते भैया जो हृदय पे राज करे वो राजा है, हाँ और हनुमान जी जगत में सबके हृदय में राज करते हैं, हनुमान जी जैसा कोई राजा नहीं, इसलिए कपीस कहा। अभी हनुमान चालीसा की व्याख्या करी जाए मुझे लगता है कम से कम एक महीने लगेंगे तो हनुमान चालीसा की व्याख्या पूरी होगी। और आगे इतनी बड़ी पूजा बाकी है तो संक्षेप में समझ जाइए कि इनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, ऐसा कोई नहीं है हनुमान जी जैसा कोई नहीं। आइए हम लोग भाव से केवल उनके चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सभी मिल करके और प्रार्थना करेंगे हे हनुमान जी आप सभी कष्टों को दूर करिए। श्री प्रेम चोरे संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधारे पर रघुवर बिमल जो दायक फल हे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुधे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर जदहु लोक उजागर राम गोद महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमद के संगी कंजन बज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूज जने उजाजे विद्यावान गुनी यदि जादु राम काज कर बे को आदु प्रभु चरित्र सुन बे को राम लखन सीता मन बतिया दुख रूप धर दिए दिखावा बिकट रूप धर लंक जरावा भीम लायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिउर लाए जगदम मेरी बहुत बनाए जगदम प्रिय कर दय जगदारे अर्ज बदन सुमरोज दावे अर्ज श्रीपति कंठ लगावे पैसा राय ब्रह्मार बनीसा नारद सारद जय जय जम कुबेर जग पार जहाँ तेज बिताए बिन दिन के कहाँ राम
Thank you.
लीजिए कुछ दक्षिणा लेकर के दीप देवता को प्रणाम करिए। शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम कर सदा दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपनारायण भगवान की तत परमा भूरभुवस्व ग्रह शंख घंटार्चनम्मा अक्षत फूल लेकर के संत को घंटिका को नमस्कार करेंगे। ओम आगमार्थंत देवानां गमनार्थं घंटा नागम प्रभुर्वेद पश्चात घंटां प्रचोदयेत। गणपति ध्यान पंचायत देवता नमस्कार। जी हाथ में पहले गणेश जी महाराज देखिए वहां विराजमान है, उनका ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। प्रभु निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस भाव से भगवान को नमस्कार करेंगे। गणानंतवा माता जी को नमस्कार कर लेंगे। माता जी विराजमान है, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः ओम भूर्भुवस्वः
पुनः गणेश जी महाराज को प्रार्थना करनी है, वो इच्छा पूर्ति गणेश जी का आह्वान करना है, कष्टहर गणेश जी का आह्वान करना है कि कष्ट को हरिए, इच्छा को पूरा करिए और हमारे मनोरथ को सिद्ध करिए। ओम भूर्भुवः सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये कुसुम गणैः पूजितं श्वेतगन्धैः श्रीराभ्यो रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिपाशाङ्कुशाभ्यां भयवरदधतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीकलेश प्रसन्नो महागणपतये नमः अनन्तकोटि नमस्कारामि। पुष्पादि उठा करके यहाँ दे दीजिए सब, ये अंदर थाली वाला हाँ, हर जगह थोड़ा थोड़ा अच्छा छोड़ दीजिए। पैसा भी दे आवाहन करना है भगवान का, गुरु आइए और उनको पुष्प गुलाब का पुष्प के पंखुड़ियों से आसन दीजिए। देखिए वो माला जो रखा हुआ था पहनाए हैं उसको निकल जाते भगवान। ओम हरि ओम आवाहनम आगच्छ भगवन्ते वा स्थाने चातुस्तिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव आसन्मा गुरुकते वेदगो सर्व भगवान का पैर हिलाने की भावना से एक बार थोड़ा थोड़ा सब तो बढ़ गंग भगवान
चमन में जल लीजिए सुगंधित तेल अर्पण करिए भगवान को तम बावन जोजामहि सुगंधिं वृत्ति वर्धनम् Jai 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 Jai